गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ अफोर्डेबल वीडियो के साथ, जो है लैक्मे सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट पाउडर। इस तरह की इसकी आपको आउटर पैकेजिंग मिल जाएगी, ये इनर पैकेजिंग है इसकी। और ये है लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 40 UVB PA++ UVA अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट नॉन स्टिकी स्किन प्रोटेक्शन। बहुत ही बढ़िया वाला कॉम्पैक्ट है ये, जो मैं इसको पर्सनल एक्सपीरियंस करके मैं आपके साथ शेयर करने आ रही हूँ। ये मेरे पास पुराना वाला है, एज यू कैन सी फिनिश हो चुका है। और ये मेरा नया वाला है, इसकी इनर पैकेजिंग इस तरह की है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी आउटर पैकेजिंग। ये मैंने परचेज किया है पर्पल से, एज यू नो मेरे सारे प्रोडक्ट्स पर्पल की ऐप से ही परचेज करती हूँ मैं। सो आउटर पैकेजिंग में आपको जो फ्रंट में लिखा हुआ है वही दोनों साइड पे लिखा हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी। और बैक पे उन्होंने पूरा अपना इस कॉम्पैक्ट के बारे में बताया है कि लैक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट SPF 40। जैसे कि आपको सनस्क्रीन में SPF 40 मिल जाता है, वैसे ही कॉम्पैक्ट में आपको सनस्क्रीन 40 मिल रहा है। डज सनस्क्रीन मेक योर फेस लुक ऑयली एंड स्टिकी। यानी कि कुछ सनस्क्रीन होती है जिसको लगाने के बाद हमारा फेस स्टिकी, नॉन स्टिकी और ऑयली फील करता है। कुछ सनस्क्रीन ऐसी मार्केट में अवेलेबल हैं जो उसको लगाने के बाद हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। सो उस चीज़ से बचने के लिए आप ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये सनस्क्रीन का ही काम करेगा। और लैक्मे सन एक्सपर्ट ब्रिंग्स टू यू द प्रोटेक्शन ऑफ अ सनस्क्रीन नाउ इन अ कॉम्पैक्ट। द लॉन्ग वेयर SPF 40 मैट पाउडर इवनली स्प्रेड्स ऑन स्किन, फॉर्मिंग अ हाई कवरेज लेयर दैट ब्लॉक्स सन हार्मफुल रेज। ये आपके फेस के ऊपर एक लेयर बना देगा इसको लगाने के बाद, जो आपको सन की हार्मफुल रेज से बचाएगा। सो पाउडर इवनली स्प्रेड्स ऑन स्किन, फॉर्मिंग अ हाई कवरेज लेयर द ब्लॉक सन हार्मफुल रेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सनस्क्रीन का काम करेगा ये। SPF 40 शील्ड्स फ्रॉम UVB रेज दैट कॉसेज सनबर्न्स। जो हम वो सन में UVB रेज होती हैं वो बहुत ही हाई होती हैं, जो हमारी स्किन डैमेज करती हैं, सनबर्न हो जाता है, जिसको फिर बहुत मुश्किल से ट्रीट करके, बहुत मुश्किल आती है उसको ट्रीट करने में, तो ये उससे भी हमें बचाएगा। PA++ शील्ड्स फ्रॉम UVA रेज दैट कॉसेज डार्क स्पॉट। जो UVA रेज होती है उससे हमारे फेस पे भी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है एंड स्किन डार्कनिंग हो जाती है। स्टेप आउट विद वाइटमिन मैट ए एंड नॉन स्टिकी सन प्रोटेक्शन एवरी डे, अवेलेबल इन अ यूनिवर्सल शेड डिजाइंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। तो ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि ये हर स्किन पर जाएगा, बहुत ही अच्छा वाला शेड है, बहुत ही ब्यूटिफुल शेड है इसका, जो हर स्किन टोन पर ईजिली चला जाएगा। और यूसेज इसकी कैसी है कि जेंटली ब्लेंड ऑन टू अ फेस एंड नेक 20 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोज, रीअप्लाई आफ्टर 3 to 4 hours फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, कॉशन अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आईज, इन केस ऑफ आई कॉन्टैक्ट रिंस थ्रोली विद क्लींस वाटर, कंसल्ट अ डॉक्टर इफ इरिटेशन हो जाती है। तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, आईज एरिया से इसको बचाकर लगाना है। और 20 मिनट्स बाहर जाने से पहले आप इसको अप्लाई करेंगे और 3-4 घंटे बाद इसको टचअप देते रहेंगे। कॉम्पैक्ट मेड फ्रॉम इंडिया है, लैक्मे का कॉम्पैक्ट है, जो ये इंडिया का ही ब्रांड है। और लैक्मे के बहुत से सनस्क्रीन SPF में अवेलेबल होते हैं, जो कि वो भी बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं लोटस की तरफ आई हूँ और काफ़ी टाइम से लोटस के सनस्क्रीन ही यूज़ कर रही हूँ, जो पर्सनली मेरे फेवरेट सनस्क्रीन है और बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि मैक्सिमम सनस्क्रीन जो है बहुत ही एक्सपेंसिव आ रहे हैं मार्केट में। तो 275 आपको इसकी MRP मिल जाएगी, लेकिन आपको ये 180 rupees में ईजिली आपको पर्पल पर या 190 में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा, लेकिन मेरी तरफ से आपको ये हाईली रिकमेंड है कि आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस है और बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है और इजी टू कैरी है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप इसको अपने साथ, इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, इसमें आपको एक मिरर मिल जाएगा, कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हो तो आप इसमें देखकर अपना कॉम्पैक्ट टचअप कर सकते हो, छोटा सा मिरर मिल जाएगा। और एक मिल रहा है आपको इस तरह का पफ, जो कि मुझे पसंद नहीं आता इसका पफ, तो मैंने
दूसरे कॉम्पैक्ट का पफ रखा हुआ है, मैं उसको मैं वही पफ यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद आपको मिल जाता है एक प्लास्टिक पेपर इसके साथ, जो कि इस तरह से है, ठीक है। और ये है, मिलता है आपको 7 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जो सोचती हैं कि यार हम हाउसवाइफ हैं, हमें सनस्क्रीन की नीड नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल गलत हो। हर एक लेडी को, हर एक इंसान को सनस्क्रीन लगानी चाहिए, घर में भी और बाहर भी, क्योंकि आपको लाइट से भी स्किन डैमेज होता है। आप फ़ोन यूज़ करते हो, उसकी स्क्रीन से, उसकी लाइट से भी आपको स्किन डैमेज होता है। तो सनस्क्रीन इज़ मस्ट इन योर लाइफ, ठीक है। और जो लेडीज़ को नहीं पसंद मेकअप ज़्यादा हैवी, वो उसको घर में भी, कुछ लेडीज़ को नहीं पसंद होता फेस पर कुछ भी अप्लाई करना, तो डियर कुछ मत लगाओ, सिर्फ अपना अच्छा सा स्किन केयर करो। स्किन केयर मैं हमेशा बोलती हूँ, ज़रूर किया करो। स्किन केयर में कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ अच्छा सा फेस वॉश करना है, क्लीनअप करना है और टोनर लगाकर मॉइस्चराइज़र लगाना है, बस ये इजी सा स्किन केयर होता है एक। तो स्किन केयर करने के बाद आप अपना आगे का प्रोसेस शुरू करो, जो भी आप पसंद करते हो फेस पर लगाना। तो मैं यही बोलूँगी कि स्किन केयर करने के बाद इसको एज इट इज़ अप्लाई कर लो, मॉइस्चराइज़र के बाद एज इट इज़ अप्लाई कर लो। जिनको नहीं पसंद आया, ये तब भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, स्किन को बहुत अच्छे से मैटिफाई करेगा। और आपको सबसे बड़ी बात कि सिर्फ एक आपको कॉम्पैक्ट ही लगाना है, और आपको सनरेज से, और जो घर में भी हमें स्किन डैमेज होता है। और जो मेकअप करते हैं वो अपने मेकअप के बाद भी इसको, फाउंडेशन के बाद इसको कॉम्पैक्ट से अपने मेकअप को सेट भी कर सकते हैं, एज अ कॉम्पैक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आपको ये सनरेज से बचाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, एज अ कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। और अपने मेकअप को सेट करने के लिए इसको ब्रश की हेल्प से भी अपने फेस पर लगा सकते हो। इससे दो काम हो जाएंगे, आपका मेकअप भी सेट हो जाएगा और आपको सनरेज से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। सो ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वाला कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों को मैटिफाई करेगा, स्किन को मैटिफाई करेगा। और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल जो हमारे फेस पर ऑयली स्किन वालों के आता रहता है वो नहीं आएगा। और वैसे ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, इसको लगाने के बाद फेस पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा, अल्ट्रा मैट फिनिश देगा। 3-4 घंटे के बाद आप इसको फिर से टचअप कर लो और ये फिर से वैसा ही आपकी स्किन पर एक क्लियर। इसको फेस पर लगाने के बाद आपकी स्किन को एक फ्लॉलेस लुक मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपकी स्किन में ऑक्सीडाइज नहीं होता, एज इट इज़ जैसे आपने इसको लगाया है ये आपके फेस पर वैसे ही सेट हो जाता है। ये बिल्कुल भी आपकी स्किन में ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता, ये आपके फेस पे बिल्कुल सेट हो जाता है। नॉन स्टिकी कॉम्पैक्ट है, बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है आपके फेस पर। अब मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगी। सो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोई भी क्रीम, हाफ में मैं क्रीम अप्लाई करके दिखाऊंगी आपको, और हाफ में विदाउट, ओनली मॉइस्चराइज़र लगा के दोनों का ही डेमो दे दूंगी, मेकअप वालों का और विदाउट मेकअप वालों का भी। सो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं अपनी कोई भी क्रीम, आपको जो भी क्रीम आप लगाते हो उसको लगाने के बाद, ये देखो यहाँ पर मैंने अपनी क्रीम लगा ली, देखो, ठीक है, हाफ में लगाऊंगी और इस साइड में लगाऊंगी सिर्फ अपना मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल मामर्थ का, इसका भी रिव्यू मैं अपनी चैनल पर जल्द ही लेकर आऊँगी, ठीक है। तो हाफ में आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर क्रीम लगाई और यहाँ पर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। जो ये ग्लो दे रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये स्किन में जा चुका है, मर्ज हो चुका है। अब मैं आपको कॉम्पैक्ट लगा कर दिखाऊँगी, इसी पफ से लगा देती हूँ, लेकिन फेस के लिए मैं यही पफ यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये पफ, बहुत ही सॉफ्ट सा है। ये कौन से कॉम्पैक्ट का है मुझे पता भी नहीं है, भी कॉम्पैक्ट की नहीं उसका। सो इसी के साथ मैं आपको लगा कर दिखाऊँगी, इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्रीम लगाई थी और इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। फिनिश देख रहे हो आप, फिनिश देख रहे हो आप, कितनी आई है मेरे हैंड में, कंपैरिजन देख सकते हो आप, कितनी अच्छी मैट लुक फिनिश आई है, ठीक है। ये था क्रीम वाला साइड, अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र वाली साइड। देखो इस तरह से मैं अपने मॉइस्चराइज़र के ऊपर भी लगा कर दिखाती हूँ, ठीक है।
आप अब इवनली देख सकते हो। सेंटर का बचा है, यहाँ भी लगा देती हूँ ताकि डिफरेंस आपको पता लग जाए कि जैसे मर्जी लगाओ अपने फेस पर, चाहे फाउंडेशन को सेट करने के लिए लगाओ या तो लगाओ अपने सिंपल घर में, इसका इफेक्ट सेम आएगा। देखो बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी सा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मैटिफाई हो चुका है और लॉन्ग स्टे रहेगा ये। बस आपको 3-4 घंटे के बाद इसको सेट करना होगा अगर आप कहीं बाहर हो, और सनस्क्रीन के जगह पर आप इसको ज़रूर लगा सकते हो घर में। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ये आपको हर चीज़ में आपको हेल्प करेगा, मेकअप में और सन रेज से भी आपको बचाने में हेल्प करेगा। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट है। मार्केट में और भी सन कॉम्पैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने सभी यूज़ किए हुए हैं, ट्रस्ट मी, और मुझे सबसे बेस्ट लैक्मे का ही लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आया, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका एक लाइक और शेयर मीन्स अ लॉट फॉर मी, सो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहना। टिल देन टेक केयर, बाय।